लगाती है, कन्हैया को पीताम्बर धारण कराती है, काजल लगाती है, तिलक लगाती है, बार बार हृदय कांप जाता है, शरीर कंपित हो रहा है। कहीं आखिरी दर्शन तो नहीं है, कहीं तेरा कन्हैया से ये आखिरी मिलन तो नहीं है। सारा शरीर कांप रहा है, नेत्रों से जलजल अश्रु आ रहा है। श्याम सुंदर ने पूछा, मैया क्यों रो रही है? यशोदा मैया बोली, लाला जननी दुखित जान के मथुरा वर्णन न करिए। अपनी मैया को अगर तू प्रसन्न देखना चाहता है तो मथुरा न जाए। मैया मेरी कहाँ इच्छा है, बाबा की इच्छा है मथुरा घुमाने की। तू चिंता मत कर, आज जाऊंगा, कल अपना काम करूंगा और परसों लौट आऊंगा। सुंदर तन और सौम्य मुख मैया सोच रही है। सुंदर शरीर है, बड़ा सौम्य शीतल इसका मुंह है, पर स्वभाव से क्रूर, लेकिन स्वभाव से कितना क्रूर है। कन्हैया को ले जाना मतलब जीते जी मेरे प्राणों को मेरे शरीर से ले जाना। सुंदर तन और सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख जो नाम भरे अक्रूर। पंडित बड़े मूर्ख है जिसका नाम अक्रूर रख दिया, इसका नाम क्रूर होना चाहिए, ये बड़ा अक्रूर करना। यशोदा मैया के चरण स्पर्श कन्हैया ने किए हैं, मैया अब तू मुझे आज्ञा दे। मैया सोच रही है, चलो मैं नहीं रो सकी, गोपियां तो इसे रो ही लेंगी, ये गोपियों से ज्यादा प्रेम करता है। मार्ग जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों देखा सारी गोपियों ने मार्ग अवरुद्ध कर रखा है, मार्ग को रोक रखा है। कन्हैया हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। यशोदा मैया चिल्ला रही है, पछाड़ खाके गिर रही है। सुंदर जी का बहुत सुंदर पद है, यशोदा बार बार यूं भागे है को हेतु हमारो, जग में चलत गोपाल नहीं आके। अरे इस संसार में अगर कोई मेरा हित करने वाला हो तो मेरे गोपाल को रोके, मेरे कन्हैया को रोके। कह के गिर पड़ती है, मूर्छित हो जाती है, फिर होश आता है तो कन्हैया कृष्ण कृष्ण कह के फिर गिर जाती है। कन्हैया को एक भरोसा है, गोपियां शायद रोक लें कन्हैया को। गोपियों ने लगाम पकड़ ली, कोई कन्हैया को समझा रही है, कोई अक्रूर जी को समझा रही है, आपको जो करना है करें, पर कन्हैया को ना ले जाए। ठाकुर जी ने ब्रज गोपालनाओं को समझाया, गोपियों अंग संग का नाम प्रेम नहीं होता, आवश्यक नहीं है दो प्रेमी संसार में सदा साथी है। अरे चित्त की वृत्ति का एक दूसरे में लगा रहना ही प्रेम है। प्रेमी चाहे कहीं भी रहे, उसमें हमारा मन का प्रवाह हो, मन का योग हो, यही सच्चा प्रेम है। गोपी जी ने ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, तो चिंता मत करो, जब भी स्मरण करोगी मैं तुझसे कहां दूर जा रहा हूं, तो मुझे अपने पास ही पाओगे। गोपियों ने कन्हैया से प्रार्थना की, प्रीति लगा के भूला तो ना दो
प्रार्थना की कि जिन गोपियों ने बिना आपके लिए समर्पण किया, सर्व त्याग किया, सब कुछ छोड़ा, क्या यही दिन देखने को कि आप भी हमको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे? भांति भांति से श्याम सुंदर ने आश्वस्त किया है, हे विद्वेदी तुम चिंता न करो, परसों अवश्य में प्रत्याग कर अवश्य लौट कर आऊंगा। जैसे तैसे ब्रज विराजमान को श्याम सुंदर ने समझाया है, मार्ग छोड़ा, बस अब तो रिश्वरा मिला था, जो आशा थी वो भी टूट गई कि जब गोपियों के कहने कन्हैया नहीं रुका तो अब तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं। मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्याम सुंदर आए, मैया तू इतना क्यों रुदन कर रही है? यशोदा मैया बोली, यारा मैं तेरे मार्ग की बाधा नहीं बनना चाहती, संदेशों देव की सुन कही हो, तू जा रहा है, जाकर देवकी से मेरा एक संदेश अवश्य देना। लोग कहते हैं देवकी तेरी माँ है, माँ है ठीक है, रहे माँ, लेकिन देवकी से मेरी प्रार्थना करना, इस यशोदा की प्रार्थना करना, वो मुझे तेरी माँ समझे या ना समझे, तेरी लालन पालन करने वाली धायते समझ ले, तेरी दासी समझ ले, इतना सा स्थान देवकी मुझे अपने हृदय में दे। इतना सुनते ही बाल कृष्ण प्रभु श्री श्याम सुंदर के नेत्रों से जल जल अश्रु धारा बहने लगी। अरे भैया तूने ये क्या कह दिया, तेरे इस वाक्य ने मेरे मन को बहुत कष्ट दिया है। भले ही देवकी माँ ने जन्म दिया है, पर अंतानंत कष्टों को सह कर लालन पालन तो तूने ही किया है, मेरे हृदय में तेरे लिए जो स्थान है वो किसी के लिए नहीं हो सकता। पुनः ऐसा शब्द अपने मुंह से मत कहना। यशोदा मैया ने कन्हैया को अपनी छाती से लगा लिया। श्याम सुंदर ने जन स्पर्श किया है, वह मैया आज्ञा मुझे मत बरसा, वे नीर तेरो मन मोहन सलाम मैया तेरे थे, मैया मैं तो सदा तेरे ही पास तेरे ही समीप हूँ, तुझे छोड़कर मुझे भी कहाँ सुख मिलेगा, कहकर श्याम सुंदर चल पड़े। सारा ब्रज, ब्रजगोपी ब्रजवासी ही नहीं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के नेत्रों से भी ऐसी अश्रुधार बह रही है। सारा ब्रज में लगा है वर्षा हो गई, आंसू की वृष्टि हो गई, गाय बछड़े गोपी बाल पशु पक्षी सब के सब रोदन कर रहे हैं। श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ अपने जी महाराज के रथ पर बैठकर मथुरा की ओर प्रस्थान किए हैं। अक्रू भी सोच रहे हैं, मैं जो कन्हैया इन ब्रजवासियों का प्राण है, आंखों का तारा है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं शत्रु की नगरी में से ले जा रहा हूँ, इसका कोई अंश हो जाए। ठाकुर जी अक्रू जी के हृदय के भाव को जान रहे हैं। यमुना जी ने उन्होंने अपने ऐश्वर्य रूप का दर्शन कराया है। अक्रूर जी लौटकर आए गड़बड़ाते हुए, तो ठाकुर जी पूछ रहे हैं, चाचा जी आपने क्या देखा ऐसा, आपने कोई अद्भुत वस्तु देखी? अक्रूर जी हंसकर बोले, प्रभु जब आपको देख रहा हूँ तो कौन सी अद्भुत वस्तु बची है, आप तो सब अद्भुतों के अद्भुत हैं। ऐश्वर्य देखकर विश्वास हो गया कि जो काल का भी काल है उसका कोई क्या अनिष्ट करेगा, ये कहीं पहुंच जाए इसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। मथुरा में विश्राम घाट एक स्थान है, वहां नंद बाबा पहले से ही ग्वालवालों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन कृष्ण बलराम दोनों भैया ने नंद बाबा के साथ वहीं विश्राम किया है। अक्रूर जी से कहा है आप जाएं और कंस को हमारे आगमन की सूचना दे दें। इसके उपरांत अक्रूर जी महाराज वहां से चले गए हैं, कंस को सूचित किया है, और उस रात्रि कृष्ण बलराम ने ग्वाल बाल और नंद बाबा के साथ वही विश्राम घाट पर विश्राम किया है। तो आज की रात्रि विश्राम करने दिया जाए और कल
की जो कथा चर्चा है उसको हम कल श्रवण करेंगे। कल विशेष रूप से कथा के संभव है इसमें दिखाएगा क्या उद्धव उद्धव जी और भगवान की गोपियों की चर्चा है जो भ्रमर गीत के नाम से भागवत जी में प्रसिद्ध है। भ्रमर गीत और रुक्मिणी विवाह महोत्सव ये मुख्य उत्सव होगा। तो कल इस कथा का हम लोग श्रवण आनंद प्राप्त करेंगे। कल आखिरी दिवस है आप सभी लोग बधाए और कथा का श्रवण आनंद प्राप्त करें। हो गया सब दो मिनट की Thank you.